लटकी हुई है सुनने में, क्या कंडीशन हो गई से। फ्लाई ओवर बन रहा है यहाँ से सुंगड़ी की मार की डाली, कटिंग हो जाएगी पूरी, यहाँ पर पूरा रोड आने वाला है। नेक्स्ट टाइम तो यहाँ पूरी मार्केट में मस्त हो जाएगी मुझे लग रहा है। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? मीजिए आप सब बड़े होंगे मैसेंजर, आप देख रहे हैं ब्लॉग्स। दोस्तों आज का ब्लॉग कुछ खास नहीं होने वाला, लेकिन आज मैं शुरू स्टार्टिंग की जर्नी यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो मैंने पहले आपको बताया कि मैं ब्लॉग का कंटेंट थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, हर गांव में जाके उनका कल्चर और किस तरह का हमारे गांव में वो दिखाने जा रहा हूँ आज। तो आज मैं जा रहा हूँ घर से सुंगड़ी और सुंगड़ी से चसाना, बस इतना ही होगा। तो काफ़ी टाइम हुआ मैं चसाना भी नहीं गया, लगभग 2-4 महीने हो गए चसाना में नहीं गया मैं। तो जस्ट दिस टाइम अभी मैं घर से निकला हूँ चसाना के लिए, तो थोड़े ही दूर घर से निकला हूँ तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो मौसम की बात की जाए तो आजकल गर्मी स्टार्ट हो गई है, सुबह सुबह और शाम को सर्दी लगती है, लेकिन जिस टाइम अभी दिन के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है यहाँ पे अभी। तो घर से निकलते हैं दोस्तों, रास्ते में घने घने चिड़ों के दरख्त आपको दिखाई देंगे। सुंगड़ी तरफ मैं दूसरे रास्ते से निकलूँगा तो घने घने चिड़ों के दरख्त देख सकते, चारों तरफ से लंबे लंबे विशाल दरख्त, और कितना खूबसूरत नज़ारा है आजकल का। तो इस साइड में दोस्तों ये जो गांव पड़ गया है, ये कोटली का गांव, तो इस साइड सामने आपको दिखाई दे रही है सुंगड़ी। थोड़ा आगे जाने पर मैं आपको सुंगड़ी दिखाता हूँ अभी। तो अभी का व्यू उस साइड सामने सुखसर बलमतकोट, तो ये विशाल ऊपर ऊपर पहाड़ ऊँचे ऊँचे, तो रास्ते का कुछ मंजर इस तरह का अभी का। तो मई का महीना है, चारों तरफ से हरियाली हरियाली हो चुकी है, ये लंबे लंबे चिड़ों के दरख्त रास्ते रास्ते दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हमने सामने जाना है नीचे, ये पुल दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये क्रॉस करके सीधा सुंगड़ी जाना है हमें। ये ब्रिज जो आपने पहले भी देखा ब्लॉग में, तो इस साइड पूरा काम लगा हुआ है रोड का। तो ये सामने कंपनी वाले इस सारे रोड का काम कर रहे हैं, ये बुद्धल टू गोल जो रोड बन रहा है नेचुरल हाईवे। तो इस साइड सुंगड़ी है, तो जस्ट अभी मैं पुल को क्रॉस करूँगा तो सीधा निकलूँगा सुंगड़ी की तरफ। इस साइड ये सारी कंपनी वाले हैं जो जिन्हें टेंडर लिया है रोड का, पूरा सुंगड़ी इस साइड पुल से लेके सुंगड़ी मार्केट तक पूरे कंपनी वाले बैठे हुए हैं। यहाँ पे क्रेशर है जो पहले भी आपने देखा था, तो पूरा काम लगा हुआ है, बहुत बड़ा काम लगा हुआ है यहाँ पे। नीचे धूल ही धूल, बहुत ज़्यादा धूल है, तो चलने भी नहीं हो रहा है। अभी जहाँ से गाड़ियाँ जैसे गुजरती है पूरी धूल ही धूल ऊपर आ जाती है। देख सकते हो आप कितनी धूल, एक मिनट में धूल ही धूल हो जाती है यहाँ पर, जैसे गाड़ी चलती है पूरी धूल ही धूल हो जाती है। बहुत बुरी कंडीशन है यहाँ पे भी, जल्दी जल्दी फटाफट निकलेंगे यहाँ से क्योंकि यहाँ पे धूल बहुत ज़्यादा है। सो निकल के सीधा सुंगड़ी में जाएंगे। तो आप पूरी कटिंग रोड की हुई है सुंगड़ी में, क्या कंडीशन हो गई है। ये सामने सुंगड़ी की मार्केट और ये संगम स्टेडियम सुंगड़ी, यहाँ पर जो दो दरिया मिलती हैं पढ़ाई और एकांस, वो इस साइड तक पूरी कंपनी कंपनी यहाँ पे। देख सकते हो अभी यहाँ से गाड़ी आ रही है, देखो धूल उठेगी यहाँ पे। ये देख सकते कितनी धूल उठ रही है, थोड़ी बुरी कंडीशन हो गई। तो यहाँ से फ्लाईओवर बन रहा है, सीधा यहाँ से सुंगड़ी की मार्केट आदि कटिंग हो जाएगी पूरी, यहाँ से सीधा फ्लाईओवर पार बनेगा सीधा मंदिर तक पीछे। अब सीधा इंटर होने जा रहे हैं हम सीधा सुंगड़ी की मार्केट में, ब्रिज क्रॉस होते ही सीधा सुंगड़ी की मार्केट में इंटर हो रहे हैं।
भीड़ बिल्कुल भी नहीं आती है। टाइम पे भी कोई भी नहीं है मार्केट में। तो ये मार्केट है जो खाना की आज की, कुछ टाइम इसका चेंज होने वाली पूरी मार्केट, क्योंकि यहाँ पे पूरा रोड आने वाला है नेक्स्ट लाइन में, तो यहाँ पर पूरी मार्केट में टूट जाएगी मुझे लग रहा है। हेलो, क्या हाल है तेरा? तो अभी हम यहाँ पे छत पे चढ़े हैं, तो इस साइड मार्केट है, ये सामने जेके बैंक सुसाना, तो फ्लाईओवर जो बन रहा है इस साइड सामने से, उस साइड से लेके सीधा उधर तक फ्लाईओवर बन रहा है। ये सामने वाली जगह जो ये असोत और इस साइड चित्थल, तो वो सामने चाना उस साइड, और ये सामने तूली बनना। आजकल ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, तो मार्केट में क्राउड भी बहुत ज़्यादा कम मिलता है, इसलिए ज़्यादा जो घूमे नहीं हम मार्केट में, रही पूरा दिन थोड़ा अपना काम वगैरह किया, अंदर ये गाड़ी में गई टेम्पो के, इसमें हम बहुत जा रहे हैं घर। गर्मी हो गई बहुत ही ज़्यादा, खाने की कश्मीर चला दोस्तों, अभी शाम का टाइम है, तो मैं पहुंचा घर, तो एक्चुअली मेरी बैटरी हो गई थी ख़त्म, तो अभी फ़ोन चार्ज किया, लाइट आई तो अभी फ़ोन चार्ज किया। जिस टाइम अभी मैं ऊपर घर गया हुआ था, वहाँ से फ़ोन वगैरह लाया, तो अभी घर जा रहा हूँ, तो शाम का टाइम है, तो मंदिर में भजन भी लगे हुए हैं, तो अभी खाना वगैरह बन रहा है चारों तरफ से, मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने वाला है, तो अभी 7:30 बज रहे हैं, तो आई मैंने ड्रीम 11 भी लगाई है, माय 11 सर्कल। तो अभी खाना बन रहा है घर पे, तो शाम का टाइम है, अभी मेरे घर का बाहर का व्यू कुछ इस तरह से, तो लाइट भी अभी आई हुई है, तो मैं करूँगा जल्दी से पूजा, तो मंदिर में पूजा नहीं हुई है अभी, मैं करूँगा पूजा, तो उसके बाद मिलते हैं पूजा करने के बाद।